वेलकम टू माय ब्लॉग गाइज। जैसा कि मैं अभी धूप इतनी थी सुबह में और 11 बजे तो इतनी कड़ी धूप हो जाती है कि मतलब डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो अभी जैसे ही शाम का मौसम आया ना तो थोड़ा सा लगा कि मैं एक ब्लॉग शूट कर दूं और साथ में आपको सामने शेयर करूं कि आज के मौसम के बारे में। गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इवनिंग टाइम में थोड़ा सा माहौल बदला है और थोड़ी सी ठंडी हवाएँ भी चल रही है और अभी मैं 4th फ्लोर पर हूँ और इस 4th फ्लोर पे तो पीछे का सीन दिखा रहा हूँ कि आप, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ आप अपने घर पे रहिए, स्टे एट होम रखिए। देखिए मेरे पीछे भी एक फ्लैग है और ये हवाएं बता रही कि कितनी ठंडी हवाएं चल रही है और ये मैं रामनवमी के दिन लगाया था तो ये हवाएं बता रही कि कितनी अच्छा मौसम चल रहा है। और साथ में गाइज आप पूरी तरह से देख सकते हैं, यहाँ 4 बजे से पूरा कर्फ्यू लग जाता है और साथ में साथ बात की जाए तो यहाँ पर सभी लोग लॉकडाउन का कुछ कुछ पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी मैं 4th फ्लोर पर हूँ, आप देख सकते हैं मैं अभी 4th फ्लोर पर हूँ। मेरे का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इस सारा एरिया होल बिल्डिंग, अभी सभी लोग अपने घर में हैं, इस तीर से शांति और मतलब आसान की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो गाइज मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि इस वीडियो के माध्यम से कि मौसम बहुत ही आज प्लीजेंट हुआ है, तो मैं अपने 4th फ्लोर पर आके इस ब्लॉग के वीडियो को मैं ऑलरेडी बनाने से मैं रुका नहीं। और साथ में साथ गाइज आप जैसा कि देख रहे हैं ये पेड़ पौधे जो मेरे पास जो गार्डन थे, आप नीचे का सीन देख सकते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ये मेरा जो गार्डन है वो पूरा सूख चुका था 2 दिन में, इतनी कड़ी धूप होती है ना, तो आज मैंने यहाँ पे सारे को मतलब हर लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, पशु को से लेके पौधे के भी, हम लोगों को भी, इन लोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। तो इसीलिए मैंने अभी 3rd फ्लोर पर आके इनको पूरा क्लियर किया और इन लोगों को मैंने समझिए कि लाइफ दी और साथ में साथ ये बहुत हरे भरे भी हो गए और आफ्टर सम टाइम में ही बहुत सूख चुके थे गाय। और जितने भी सारे लोग, मैं आपको अभी सब जो हवा का आनंद लेने के लिए आया ना, तो यहाँ पर सभी लोग अपने छत पर ऐसे ही देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूमिंग करके दिखा रहा हूँ।